God bless. God bless. Yeah, बस क्या गाओगे? मैं कोई ऐसा गीत गाऊं. गाइए. कैसा गीत गाओगे? मैं कोई ऐसा गीत गाऊं के आरजू जगाऊं अगर तुम कहो. मैं तितलियों के पीछे भागूं, मैं जुगनुओं के पीछे जाऊं. ये रंग है वो रोशनी है तुम्हारे पास दोनों लाऊं. जितनी खुशबुएं बाग में मिले मैं लाऊं वहां पे कि तुम हो जहां जहां पे एक पल भी ठहरो मैं गुलसिता. आप एक तो मेरे साथ बहुत डर के गा रहे हैं. बहुत डरे हुए इंसान है आप. आपकी आवाज निकल रही नहीं है. अनु आपको देख के कोई भी डर जाए यार. मगर फरा मेरे साथ साथ आप पर सोनू भी तो है ना. हम लोग डरावनी थोड़ी लग रहे हैं. नहीं मुझे तो मुझे आपसे मुझे खुद आपसे डर लग रहा है यार. तू ये बेचारा यार क्यों नहीं डरेगा. लेकिन इतना कहूंगा कि तो मेरे हिसाब से मुंबई नहीं आ सकते. आई वुड वॉन्ट यू टू कम टू मुंबई. नाउ ऑल डिपेंड्स ऑन सोनू. आपकी आवाज इतनी अच्छी नहीं है. मेरे ख्याल से आप मुंबई नहीं आ पाएंगे. सॉरी. हेलो आइए आइए आइए. क्या करते हैं भाई साहब आप? केला बेचते हैं. केला बेचते हैं? बेच दिया सब बेच दिया. सस्ते में केला बेच दिया. मुश्तों में जब नहीं बिका किस्तों में केला बेच दिया. क्या करूं लाचार था. कुछ नहीं समझ में आता था. जीवन की आंखें फूट गई. मुर्दों से नैन लड़ाता था. आपने खुद लिखी है? मैं गाना लिखता हूँ. क्या बात है. शायर मतलब शायरी गाना और कविताएं मेरी पेपर में आते हैं. कविता तो अभी सिंगर बनने का इरादा है. गाना गाते हो? क्या गाओगे? मस्तानी मदहोश किए जा मुझको कोई खींचे तेरी ओ लिए जा. देखिए आपकी हिम्मत की दाद देता हूँ कि आप जिस जो काम करते हैं अच्छी बात है. कोई भी काम जो होता है अच्छा काम होता है. और केला बेचना भी बहुत अच्छा काम है. आप इज्जत की रोटी कमाते हैं और कमाते रहिए. जहाँ तक मुझे लगता है कि आपकी आवाज़ में वो बात ही नहीं है जिसमें आपको बुला सकूँ अगले लेवल में. आप बहुत कलाकार, अच्छे कलाकार हैं पर दुर्भाग्य से हम एक गायक के रूप में आपसे आपको स्वीकार नहीं कर सकते. धन्यवाद. थैंक यू. क्या करती हैं आप? मैं फ्लाई करती हूँ एयरलाइन के लिए. व्हाट आर यू गोइंग टू सिंग? पिया तो से नैना लागे रे नैना लागे रे जाने क्या हो अब आगे रे नैना लागे रे पिया तो से नैना लागे रे. आई थिंक अगले लेवल तक आपको आना चाहिए. खूबसूरत चेहरा खूबसूरत आँखें हर चीज़ खूबसूरत है आपकी. लेकिन जहाँ तक आवाज़ का जादू है ना मुझे छूता नहीं है. तो मेरे हिसाब से आई एम नॉट कन्विंस्ड. आप आइए अगले लेवल तक और कुछ तैयार करके आएंगी तो शायद आपका कुछ भला होगा. अदरवाइज फिलहाल आप आ सकती हैं अगले लेवल तक. आइए. हेलो. हेलो. हाय. क्या गाएंगे आप? जी मैं पुराना गाना गाना चाहती हूँ. गाइए. आओ हुजूर तुमको. गाइए. आओ हुजूर तुमको सितारों में ले चलूं दिल झूम जाए ऐसी बहारों में ले चलूं. आओ हुजूर आओ. देखिए सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि आप वाकई सुर में हैं. थैंक यू सर. और कॉन्फिडेंस था आपके अंदर कि मैं कुछ जानती हूँ मैं गा सकती हूँ. तो ये सब मद्देनजर रखते हुए मैं समझता हूँ कि आपको मुंबई आना चाहिए. देखिए अभी तक जितने सिंगर्स मैंने दिल्ली में सुने हैं उसमें से आप बेस्ट सिंगर हैं. थैंक यू. तो आप प्लीज़ मुंबई आइए. आपकी आवाज़ में एक नेचुरल सोज है जो बहुत अच्छा है. तो आप हमारी तरफ से भी मुंबई आ रही हैं तो आप जाइए अपना सामान पैक कीजिए और मुंबई की तैयारी कीजिए. मैं सोनू जी से कुछ कहना चाहती हूँ. हाँ जरूर. भैया अगर आपको याद हो तो सॉरी. हाँ.
जब सारेगामा में एंकरिंग करते थे जी जी तो मैं आई थी। मुझे याद है, मुझे याद है, मैं आपको भूला नहीं अभी तक। और आप आज भी अच्छा गाती हैं। ऑल द बेस्ट, बहुत मुबारक, खुश रहिए, कांग्रेचुलेशन, मुंबई में आपका इंतजार होगा। खुश रहिए, खुश रहिए। एक दिन जिंदगी इतनी होगी हंसी, झूमेगा आसमां, गाएगी ये जमीं, मैंने सोचा न था। दिल की डाली पे कलियां से खिलने लगी, जब निगाहें निगाहों से मिलने लगी। मैं तो इतने कहूँगा कि आपकी जो बच्चे की डिलीवरी है वो अहमदाबाद में ही होगी। नहीं सुनो, अच्छी मीठी आवाज़ है लेकिन थोड़ी सी प्रैक्टिस आपको और चाहिए, ट्रेनिंग और चाहिए। बाय बाय। किसी के कजरे ने, किसी के गजरे ने महकती सुबहों में, मचलती शामों में, अकेली रातों ने, अधूरी बातों ने, तरसती बाहों ने, और पूछा है तरसे निगाहों ने, किधर फिर आओगे, के घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सोना सोना है। कोऑर्डिनेशन की नहीं तुमने? सही थी। जहां तक मुझे लगता है आप लोगों ने स्केल ज्यादा नीचे नहीं ले लिया इस गाने का। उन्होंने मुझे बोला था जब अंदर जाएंगे हम, तुम जो पियानिस्ट हैं उनके साथ मुझे चेक कराना कि स्केल सही है कि नहीं, क्योंकि वो बाहर थोड़े से कांपने लगे। मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं है, बिल्कुल भी नींद हुआ नहीं है। अच्छा। तो बिकॉज ऑफ स्ट्रेस अचानक गला, मतलब। पर आपने ठीक है, हो रहा है। व्हाई शुड यू बी, आपको घबराने की जरूरत है, ठीक तो गा रहे हैं। राहुल तुम्हें क्या हो गया? मैं कुछ बोल नहीं सकता हूं अभी, बाद में पता लगेगा। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय। अनु जी शायद मुझे थोड़ी डरा रहे हैं, क्योंकि he is that kind of a person. तो आपको लग रहा है कि वो डरा रहे हैं इसलिए क्योंकि वो आपको सिलेक्ट करना चाहते हैं? हाँ, मैं डरूंगा नहीं, क्योंकि अगर मैं खराब गाऊंगा तो मैं खुद बाहर आके मेरा एक्सप्रेशन ऐसा हो जाएगा। बट क्योंकि अगर मैं जानता हूँ कि मैंने अच्छा गाया तो मैंने अच्छा गाया। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।